चखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी है। बड़ी खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा को मुअत्तल कर दिया गया है। तोशाखाना का मामला और इस मामले के ऊपर बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा को मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा जीएनएन इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, क्या कहा गया है इस सजा मुअत्तली के फैसले में? जी देखिए, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के लिए एक तरह से ये ईद से कबल एक बड़ा रिलीफ है कि जो तोशाखाना केस है उसमें उन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो डिवीजन बेंच है उसने उनकी जो सजा है वो मुअत्तल कर दी है और अदालत ने कहा है कि मरकजी अपीलों पर समाज जो है वो ईद के बाद करेंगे। ताहम दोनों की जो तोशाखाना केस में सजा है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की जिसमें जस्टिस मियां कौल हसन औरंगजेब जो है वो शामिल थे और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर अली जफर जो है बानी पीटीआई और इनकी तरफ से अदालत में पेश हुए और नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज जो है अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अली साहब, अगर आप अपीलों पर दलाइल देंगे तो हम आपको जो है वो नहीं सुन सकते। साइफर केस में अपीलों को सुना जा रहा है, दोनों अपीलों को एक साथ सुना जो है वो नहीं जा सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सलमान सफदर ने कहा था कि साइफर अपीलों पर वो आधे घंटे के दलाइल जो है वो देंगे, मुझे इस केस में जो है वो आज दलाइल करने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप सजा मुअत्तली के ऊपर दलाइल देना चाहते हैं तो हम सुन लेते हैं। तहम इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना तहाइफ का जो केस है उसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो है वो सजा जो है वो मुअत्तल कर दी है। नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में जो है वो सजा को मुअत्तल किया गया है। फैसले का जायजा लिया है, ये सजा मुअत्तल का केस है, ये नैब प्रोसिक्यूटर ने जो है वो अदालत में बताया, जिस पर अदालत ने कहा कि ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौकफ जो है वो काबिल तारीफ मौकफ है। ये अदालत ने अपने रिमार्क दिए नैब प्रोसिक्यूटर के बयान के बाद जो है वो अदालत ने बानी पीटीआई की जो सजा है उसको मुअत्तल किया है। इससे कबल एहतसाब अदालत जो इस्लामाबाद है उन्होंने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इस तोशाखाना केस में 14-14 साल जो है वो कैद सजा सुनाई थी और दोनों मुलजिमान ने एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज किया था और इसी फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई अडियाला जेल में कैद जबकि बुशरा बीबी बनीगाला में जो है वो कैद हैं और अब 14-14 साल की कैद थी। ताहम अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सजाएं जो है वो मुअत्तल कर दी हैं, 14-14 साल की सजा। और ये नैब प्रोसिक्यूटर जो अमजद परवेज जब अदालत में पेश हुए उन्होंने कहा कि फैसले का जायजा लिया है और ये सजा मुअत्तली का जो है वो केस बनता है, जिस पर अदालत ने कहा कि ये नैब का एक बड़ा काबिल तारीफ जो है वो मौकफ है और अदालत ने इन दोनों की सजा जो है वो मुअत्तल कर दी है। जी ठीक है जी। सबासी, इस हवाले से ये कहिएगा कि जो मौकफ रखा गया था पीटीआई की जानिब से और जो दलाइल दिए गए वो भी हमारे नासरीन को बताइएगा। जी देखें, आज तो के एक तरह से अगर देखा जाए तो ये तोशाखाना केस को टेकअप ही नहीं किया गया था साइफर केस की वजह से और अदालत में पहले यही तयशुदा था कि साइफर केस को पहले देखेंगे और फिर उसके बाद तोशाखाना केस को, लेकिन चूंकि साइफर केस डे टू डे हेयरिंग चल रही थी और उसकी अब हेयरिंग कल होनी है तो आज जो एक मुकर्रा तारीख थी तोशाखाना की वो आज फिक्स थी और उसमें आज इब्तदाई दलाइल जो है वो सुने जाने थे। और आज जिस तरह अदालत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए कि हम आपकी अपीलों को जो है वो डिटेल में जो है वो नहीं सुन सकते, तहम आपकी सजा मुअत्तली के ऊपर अगर आप दलाइल देना चाहते हैं तो हम उसको सुन लेते हैं, जिस पर इस्लाम जो प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज नैब प्रोसिक्यूटर उन्होंने भी ये अदालत में अपना खुद बयान दे दिया कि इस जो तो एहतसाब अदालत का इस तोशाखाना केस से मुतल्लिक जो फैसला था उसका हमने जायजा लिया है और ये सजा मुअत्तली का केस है। जब नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में ये खुद आके बयान दे रहे हैं कि ये केस जो है वो उसमें सजा मुअत्तल जो है वो की जा सकती है तो उस पर अदालत, चूंकि जब दलाइल दिए जाते हैं वकला की जानिब से तो मुदई की जानिब से यही दलाइल दिए जाते हैं कि सजा जो है वो मुअत्तल की जाए और प्रोसिक्यूटर की जानिब से अगर उसकी मुखालफत की जाए तो फिर अदालत को उसके ऊपर डिसाइड करना होता है कि ये सजा मुअत्तल की जानी चाहिए या नहीं। लेकिन जब यहां पर मामला ये है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने खुद ही अदालत में ये बयान दे दिया है कि सजा मुअत्तल जो है वो की जा सकती है, ये केस सजा मुअत्तली का है, जिसके बाद अदालत ने बगैर किसी सोच के जो है वो जब नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया कि ये सजा मुअत्तल इस केस
इसमें हो सकती है, जिस पर अदालत ने जो है बगैर किसी रुकावट के जो है वो सजा सिर्फ मुअत्तल की है। तहम इस पर जो डिटेल जो इस ऑर्डर है, इस ऑर्डर को कलअदम करार देने के हवाले से उस पर जो मामला है, फैसला मुअत्तल करने के हवाले से उस पर जो मामला है वो ईद के बाद अदालत ने कहा है कि हम इसको ईद के बाद देखेंगे। तहम वक्ती सिर्फ और सिर्फ जो ये तोशाखाना केस के अंदर सजा जो है वो मुअत्तल हुई है, ऑर्डर जो है वो अपनी जगह पे सस्टेन करता है और इस पे सिर्फ इनकी सजाएं जो है वो मुअत्तल की गई हैं और इस पर इनकी रिहाई जो है वो दोनों की मुमकिन हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक, बड़ा इसको रिलीफ कहा जा सकता है। इदरीस अब्बासी, आप कहिएगा कि पीटीआई की जानिब से, पीटीआई के वकला की जानिब से या पीटीआई के जो सीनियर क़यादत है उनकी जानिब से इसके मुतालिक अब तक कोई मौक़िफ़ सामने आ सका? अभी तक तो कोई इस तरह का मौकफ जो है वो पार्टी की क़यादत की जानिब से जो है वो नहीं सामने आया गया कि इस केस के ऊपर। तहम जो है वो अपील जो है वो इसकी मुअत्तल हो चुकी है, सजा मुअत्तल हो चुकी है और जिस पर अभी पार्टी की क़यादत है वो इस पर अपना बयानिया देगी। तहम अब देखना है कि वो उस पर अपना क्या बयानिया जो है वो बयान जारी करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि पीटीआई के लिए, पीटीआई की क़यादत के लिए एक बड़ा सा रिलीफ है। बानी पीटीआई और उनकी या बुशा बीबी के लिए कि बहुत बड़ा जो है वो रिलीफ है, क्योंकि अगर इसमें अगर हम देखें तो तोशाखाना केस जिसमें 14-14 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जो तोशा नैब के अगर कानून के देखें तोशाखाना की हद तक, तो उसमें 14 साल जो है वो सबसे ज्यादा सजा जो है वो इस केस में 14 साल के हद तक है। और जो अदालती तारीख है एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की, उसमें बानी पीटीआई और उनकी आलिया बुशा बीबी को अदालती एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की अदालती तारीख में सबसे ज्यादा सजा जो है वो इन्हीं दो जो है वो सुनाई गई थी। जज मोहम्मद बशीर जो थे उस वक्त के जज, उन्होंने ये सजा सुनाई थी और वो अब इस 14 मार्च को रिटायर चुके हो चुके हैं और उन्होंने अपने उस तकरीबन 9 साल कैरियर में जब वो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद थे, उन्होंने अपने उस पूरे कैरियर में सबसे ज्यादा जो सजा थी 14 साल की वो बानी पीटीआई और बुशा बीबी को जो है वो सुनाई थी। और उसके बाद बुशा बीबी जो है वो सिक्योरिटी वजूहात पे उनको बनीगाला में सब जेल करार देके वहां पर कैद रखा गया था और बानी पीटीआई चूंकि पहले ही से दीगर केसेस में अडियाला जेल में कैद थे, तो उसमें उनको अडियाला जेल में ही जो है वो बानी पीटीआई कैद है और अब इन दोनों की इस केस में सजा जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि आगे इस पर क्या जो है वो पार्टी की आदत जो है वो इस पर रद्दमल देती है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ा एक खुशाइंद और बड़ा एक फैसला है पीटीआई की आदत के लिए भी और बानी पीटीआई तो उनकी आलिया बुशा बीबी के लिए भी। बिल्कुल ठीक है इदरीस अब्बासी, अब अभी से कुछ देर पहले आपने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रिहाई मुमकिन हो सकती है बानी पीटीआई की भी और उनकी अहलिया की भी, कोई ऐसी चीज अब भी आप समझते हैं कि मौजूद है जो इनको अभी भी बिहाइंड द बार्स रख सकती है? देखिए बानी पीटीआई की हद तक अगर बात करें तो मुख्तलिफ केसेस ऐसे हैं जिनमें उनकी जमानतें होना बाकी हैं और 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें बानी पीटीआई की अभी तक तहाल जमानत नहीं हो सकी है और उसमें चूंकि वो कैद हैं, तहम जो जो तोशाखाना में तो सजा उनकी मुअत्तल हो चुकी है, इनमें उसके रिहाई जो है वो मुमकिन है। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उनकी जमानत मंजूर कर चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली बात है बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत नहीं मंजूर, जिसकी वजह से उनकी रिहाई मुमकिन जो है वो नहीं है। दूसरी जानेब जो बुशा बीबी हैं उनकी तोशाखाना में तो सजा मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन इनकी चूंकि 190 मिलियन पाउंड केस में भी जमानत का इशू है, तो इनकी भी रिहाई का जो है वो इशू इस स्पेसिफिक केस की वजह से जो है आ सकता है। बाकी बानी पीटीआई के दीगर बहुत से जो केसेस हैं जिनमें उनकी गिरफ्तारियां जो है वो डली हुई हैं और उसमें उनकी जमानतें होना बाकी हैं, लेकिन बुशा बीबी की हद तक अगर देखा जाए तो सिर्फ 190